Hi friends, in last video we have completed practices 7.1 direct variation. We have understood about the direct variation, we have seen some examples related to direct variation. Now let us see inverse variation. Yahan maine ek table nikala hai. Here number of worker, that is x, and number of days required to complete the work y. Do worker ek kaam 36 days mein complete karte hain, teen worker lagaye तो 24 दिन लगते, चार वर्कर लगाए 18 दिन लगते, छः वर्कर लगाए 12 दिन, आठ वर्कर लगाए 9, 12 वर्कर लगाए 6 दिन. इन शॉर्ट यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहा, तो डेज ऑफ कंप्लीटिंग वर्क जो है वो कंप्लीट करने के लिए वो डेज कम होते जा रहे हैं. दूसरा पार्ट यहाँ देखोगे, अब देखो एक्स इंटू वाई, ये अगर देखोगे तो 2 × 36 = 72, 24 × 3 = 72, 18 × 4 = 72, 12 × 6 = 72, 9 × 2. तो यहाँ ये सभी का प्रोडक्ट सेम आ रहा है. इन शॉर्ट एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट हियर. जो डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स और वाई का रेशियो कॉन्स्टेंट था, यहाँ इनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है. तो हमारी डेफिनेशन इसके बारे में हम बता देंगे. If x and y are two quantities such that x into y is equal to constant, then there is inverse variation between x and y. तब वहां इनवर्स वेरिएशन होता है x और y के बीच में, वेन एवर x into y is constant. Now it is written as x varies inversely as y is written as x varies inversely as y. तो y को इनवर्स करके लिखना होता है, जिसके इनवर्स है उसे इनवर्स करके लिखो. देयरफोर x इज इक्वल टू k अपॉन y, वेयर देयर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. K is a constant. तो ये यहां ध्यान में रखना है. यहां inversely जब हम बोलते हैं तब x varies as inversely as y, तो y को inverse करके लिखना है. इसका equation बनेगा x is equal to k upon y, where there k is constant. Okay? अब इसी पे dependent फिर जो आपका equation of variation जो आएगा ये होगा constant, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जो आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आएगा, तो आपके वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आएगा. इधर जहाँ वैल्यू आएगी के की आपकी, तो वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आएगा. ये भी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन चलता है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन जो भी आपके देखेंगे. नाउ लेट अस सी, आपको इंपॉर्टेंट तो यही है, व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन. व्हेनेवर एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज सच दैट एक्स इनटू वाई इज कॉन्स्टेंट, देन वी कैन से देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई. वी राइट इट एज एक्स वेरीज एज 1/y और एक्स वेरीज इनवर्सली ऑफ वाई. ये इनवर्स वाई का इनवर्स है, दैट इज इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई. अब इसी पे डिपेंडेड हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 होगा. 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल. आपको ये दिया हुआ है तो आपको सिंपली ध्यान में देना. यहां ओरली मैं देखा तो देखो 30 × 6 = 180, 20 × 9 = 180. तो यहां भी आपको वही करना है,
180 प्रोडक्ट कहाँ से आएगा वो देखना है। तो लेट अस सॉल्व दिस, अभी यही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स को आपने सपोज या कुछ दिया नहीं, नंबर ऑफ वर्कर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, नंबर एन है, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स भी एन, नंबर ऑफ वर्कर्स बी एन एंड डेज बी डी कंसीडर किया मैंने। अब यहां आपको दिया है इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। अब यहां हम देखेंगे तो एन और डी में इनवर्स वेरिएशन है, आपको दैट इज हमने देखा 30 × 6 इज इक्वल टू 180, 20 × 9 इज इक्वल टू 180, देयर फोर एन वेरीज एज 1/d, बिकॉज यह इनवर्स वेरिएशन है, ये कॉन्स्टेंट है, देयर फोर एन इंटू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये एन इंटू डी कॉन्स्टेंट है तो हमें यहाँ इनवर्स वेरिएशन मिलता, अगर ये इनवर्स वेरिएशन है तो अब हम यहाँ ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयर फोर एन इज इक्वल टू के अपॉन डी, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, और उसकी वैल्यू हमारी 180 आई है। अब हमें जो वैल्यू दी है वो वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे हम, हमें पहले बॉक्स में डी दिया है 12, अब वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले आपको डी दिया हुआ है 12, व्हेन डी इज इक्वल टू 12, अब देखिए एन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 12 रिमेन 6, 12 5, दैट इज डी इज इक्वल टू 15 आ गया, देयर फोर एन इज इक्वल टू 15। अब आगे आपको दिया हुआ है शायद एन इज इक्वल टू 10 दिया है, एन इज इक्वल टू 10, देयर फोर 10 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय डी, तो डी इधर ले लिया आपने, डी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज डी इज इक्वल टू 18। सेकंड वाला, थर्ड वाला आपको दिया है डी इज इक्वल टू 36, डी इज इक्वल टू 36, फिर से वही एन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज डी इज इक्वल टू 5 आएगा, सॉरी एन इज इक्वल टू देयर एन इज इक्वल टू 5 आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल। आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है। लेट अस सी, पी वेरीज एज 1/q, दैट इज पी वेरीज इनवर्स डी, इफ p इज इक्वल टू 15 देन q इज इक्वल टू 4। अब पहले देखेंगे इसे हम, यहां अगर कोशिश की तो देखो p वेरीज एज 1/q, देयर फोर p इज इक्वल टू k अपॉन क्यू, वेयर देयर k इज कॉन्स्टेंट। नाउ p इज इक्वल टू 15 दिया है आपको, इज इक्वल टू के अपॉन क्यू 4 है, देयर फोर 15 × 4 इज इक्वल टू के, दैट इज 60, इट इज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये हो गया कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब आपको जो पूछा है वो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, पी क्यू इज इक्वल टू और पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 60, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आ रहा ध्यान में, नेक्स्ट वन दिया हुआ है आपको सी जेड वेरीज एज जेड वेरीज एज वन अपॉन डब्ल्यू इफ जेड इज इक्वल टू 2.5 देन W इज इक्वल टू 24। अब यहां देखो अगेन सेम Z वेरीज एज वन अपॉन W, देयर फोर Z इज इक्वल टू K अपॉन W, वेयर देयर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड वाला है, नाउ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, Z की वैल्यू आपको दी है 2.5 इज इक्वल टू K अपॉन W 24 है, therefore K इज इक्वल टू 24 इंटू 2.5, therefore K इज इक्वल टू 24 5 120, 24 2 48 + 12 60, तो यहाँ आएगा 60 आएगा आई थिंक, तो K इज इक्वल टू 60, K इज इक्वल टू 60 इज द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 60 आपको दिया है, जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 60, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।